Hello guys and welcome to the amazing YouTube channel of An Academy J, where you, like amazing quality education. We have been continuing with our chapter Ionic Equilibrium, and I know there have been slight delay. It was inevitable due to medical issues, but. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर चैप्टर ऑफ आयन के क्वेलेब्रियम हमने सोल्ड हाइड्रोलिसिस तक देख लिया था एंड वेर वी लेफ्ट वॉज कि हमें सोल्ड हाइड्रोलिसिस से कुछ क्वेश्चन देखने थे एंड देर वर समस्ड लेवल कंसेप्ट जो हमें देखने थे एंड देन वील कंटिन्यू द बफर सोल्यूशन कंसेप्ट हेयर ठीक है तो जो हमारे साथ स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनको मैं जल्दी से बता दूँ दिस इज माई प्रोफाइल आई डेन बी टक एन एम टक फ्रॉ आई टी डेली एंड आई ओवर टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और आप स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं ऑन वेरियस चैनल्स इंस्टाग्राम टेलीग्राम ऐप है हमारी ठीक है एंड देन वी हैव दिस टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश जो मोबाइल जो कि हमारे पास यू आर एल है जिसपे हमने हमारे सारे यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं और जो पी डी एफ्स हैं वो सब को कर रखे हैं जिससे कि आप सभी चीज़ एक ही जगह एक्सेस कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर कोई भी इशू लग रहा है जैसे कि आपकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं हो पा रही है टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है यू कैन टेक द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन वॉट इज़ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो आपको इस तरह की लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं साथ में यू कैन विद द एजुकेटर राइट यू कैन पार्टिसिपेट इन द पोल्स एंड यू कैन सी द लीडर बोर्ड मतलब आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं जब आप क्वेश्चन करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आप वहां पर कहां पर स्टैंड कर रहे हैं साथ में टेस्ट सीरीज और उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में लिए जाते हैं विच आर रेगुलर जब भी आप यहाँ पर कोर्स में इनरोल करते हैं ऑन द सब्सक्रिप्शन चैनल तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो रेगुलरली सॉल्व किए जाते हैं जो डाउट सॉल्व करने के हमारे पास टेक्निक्स uh, हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं वी हैव लॉट ऑफ टेक्निक्स आप डायरेक्टली या तो अपना डाल सकते हैं क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में या सा, या फिर आप इस तरह से फोटो खींच के भी डाल सकते हैं और जब आप यहाँ पर पोल अटैम्प्ट करते हैं तो एज़ आई टोल्ड यू कि यहाँ पर आपको मार्क्स दे, अपने देखने को मिलेंगे साथ में जो आपके पास टॉपर्स हैं उसके मार्क्स भी देखने को मिलेंगे तो ये जो अनकेडमी सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे यू कैन सी कि जो इंडिया के सारे टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं आप उनकी क्लास अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर इनफैक्ट कोटा की फैकल्टी भी है तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इफ़ यू आर इन टीयर टू टीयर थ्री सिटी आपकी जो प्रिपरेशन है जो हमारे एजुकेटर्स हैं वो आपके घर बैठ के आपको पढ़ाएंगे आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कराएंगे एंड गाइज यहाँ पर आप और चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन का चैनल है उसके ये सारे फीचर्स हैं और अगर आप इसको लेना चाहें अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वॉट यू हैव टू डू आपको अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल पे विच इज़ द टॉप ट्रेंडिंग ऐप टॉप ट्रेंडिंग एजुकेशन ऐप आपको उसको इंस्टॉल करना है देन यू हैव टू गो टू दिस प्लस सेक्शन देन यू हैव टू गो टू आई टी जे सेक्शन तब आपके पास ऑप्शन आएगा टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन और ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है सब्सक्रिप्शन का ये मतलब है कि जब आप यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं आपके पास पुराना सारा मटीरियल भी अवेलेबल होता है और आगे आने वाला मटीरियल अवेलेबल uh, होता है फॉर देट अमाउंट ऑफ टाइम विच यू हैव सब्सक्राइब ठीक है और यहाँ पर जब आप सब्सक्रिप्शन का देखेंगे कॉस्ट देखेंगे इट्स अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट इफ़ यू सी एक साल के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका जो पर मंथ कॉस्ट है इट इज़ जस्ट 2500 पर मंथ और जब आप दो साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कॉस्ट इज जस्ट 1500 पर मंथ और अगर आपको अ, मेरे लेक्चर पसंद आते हैं मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम कोड यूज़ कर सकते हैं अनुपम लाइव जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है एंड फाइनली जो कॉस्ट है आपकी

आज का जो चैप्टर है उसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिस वाला पार्ट एंड देन वी विल सी द बफर सोल्यूशन आल्सो, राइट तो हमने जहाँ पर छोड़ा था मैंने आपको बोला था विल डू सम क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिस दिस दिस वर द क्वेश्चंस विच आई गिव यू पहला जगह पहला अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर देखें पीएच ऑफ पॉइंट जीरो जीरो वन मोलर पोटाशियम प्रोपियोनेट सोल्यूशन शुड बी 8.0 देन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड विल बी आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप पास है, है, आपके पास इस कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है पोटाशियम प्रोपियोनेट का ठीक है पोटाशियम प्रोपियोनेट आपके पास असेंशियली क्या हो जाएगा दिस इज योर प्रोपेनेट आयन एंड के प्लस ठीक है तो आपको सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूल है उसको देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये किस ये जो सॉल्ट है वो किस से बना होगा मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस में से बताया है, जैसे के प्लस है तो यू कैन इमेजिन कि के ओ एच यूज हुआ होगा और सी 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 ओ माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का एक एसिड है देन इट इज वॉट अ एसिड वीक एसिड का यहां पर आपके पास आयन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपके पास सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए दैट दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस राइट तो डायरेक्टली आपके दिमाग में जो इक्वेशन है वो आनी चाहिए मैंने आपको बताया था ये सारी इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है बिल्कुल डायरेक्टली आपको करना है तो अगर यहां पर आप देखेंगे आपको यहां पर क्या क्या दिया हुआ है कॉन्ट्रेशन दिया हुआ है देखिए ये इक्वेशन यूज करना है कॉन्सेंट्रेशन आपको सी दिया हुआ है यहां पर आपको पी एच भी दिया हुआ है पी एच आपको यहाँ पर एट दिया हुआ है वॉट यू हैव बीन आस्ट इज के ए कि भाई के ए यहाँ पर क्या होगा राइट right? तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है डायरेक्टली इस इक्वेशन में हम वैल्यूज uh, पुट करेंगे पीएच आपको यहाँ पर दे रखा है एट ठीक है दिस इज इक्वल टू वॉट हाफ पी के डब्ल्यू इट्स अ कॉन्स्टेंट ये आपको पता होना चाहिए हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज 14 प्लस पी के ए प्लस आपको लॉक्सी लॉक्सी अगर आप यहां देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इज पॉइंट ज़ीरो जीरो वन तो एसेंशियली आपके पास यहां पर क्या है लॉग ऑफ टेन डेज टूपार माइनस थ्री ये चीज़ समझ में आती है इस फॉर्मूले के अंदर आपको किस तरह से वैल्यू पुट करनी है किस तरह से पहले आपको सॉल्ट आइडेंटिफाई करना है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करनी है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा सिक्सटी इज इक्वल्स टू टीन प्लस पी के ए माइनस थ्री इसके बेसिस पे आप यहां पर बोल सकते हैं पी के ए वुड कम एज फाइव ठीक है हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके निकाला सो वी कैन से कि ए यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास टेन डेज टू पार माइनस फाइव दिस इज वॉट यू हैव बीन आस्ड इन दिस क्वेश्चन कि आप प्रोपियोनिक एसिड का एसोसिएशन कांस्टेंट निकाल दीजिए वो आपके पास निकल के आएगा टेन फाइव ठीक है में आ रहा है किस तरह से हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने दिया था आपको, is, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर अमोनियम फॉर्मेट आपको सोल्व दे रखा है तो जब आप इसको लिखेंगे आपके दिमाग में सबसे पहले चीज क्या आनी चाहिए यहाँ पर अमोनियम आयन है और यहां पर क्या आयन है एच सी ओ ओ माइनस गैस आयन है। ठीक है कहाँ से आए होंगे ये सॉल्ट कैसे बना होगा आप इमेजिन करें कैसे ही सॉल्ट बना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बेस ले सकता हूँ और फॉर्मिक एसिड ले सकता हूँ नाउ बोथ ऑफ दीज आर वीक राइट सो इट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस सो दिस इज द केस दिस इज द केस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस तो अगर हम यहाँ पर पीएच के बारे में बात कर रहे हैं आपको डायरेक्टली दिमाग में ये वाली चीज़ आनी चाहिए दैट इन दिस केस पी एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के माइनस पी के बी ठीक है वैल्यूज़ आपको यहाँ पर गिवेन है पी के ऑफ फॉर्मिक एसिड गिवेन है पी के बी ऑफ अमोनिया गिवेन है मैंने आपको पहले बताया था अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनिया इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है तो अगर आप यहां पर देखें हमारे पास क्या हमें uh, लगाना है टू कैलकुलेट दी एच सिंपल सी बात है कि पी एच यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू डब्ल्यू आपको पता है क्या होता है फोर्टीन पी के बात कर रहे हैं तो फॉर्मिक एसिड्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं थ्री पॉइंट एट और के से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो अमोनिया के बी से रिलेटेड बात कर रहे हैं टाटस माइनस फोर पॉइंट एट इसके बेसिस पे अगर हम देखें यहां पर पीएच आपके पास क्या निकल के आता है दिस कम्स टू हाफ ऑफ थर्टीन सो दिस कम्स टू सिक्स पॉइंट फाइव राइट तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही है समझ पा रहे हैं किस तरह से हमें अप्लाई करना है सबसे पहले हमें सॉल्ट का नेचर समझना है किस तरह के आयंस है और उसके बेसिस पे आपको फॉर्मूला यूज करना है नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मोलर एक्वस एन सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ पी के बी ऑफ सी एन माइनस इज फोर पॉइंट सेवन तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है एन ए सी एन का नेचर एन ए सी एन मतलब एन ए प्लस सी एन माइनस आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सॉल्ट कैसे बना होगा यू कैन इमेजिन एन ए ओ एच प्लस एच सी एन नाउ एन एच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एच सी एन इज अ वीक एसिड ठीक है मतलब आपके पास ये वाला केस है बट इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको घुमा के दे रखा है क्या चीज घुमा के दे रखी है ध्यान से देखना आपको दे रखा है पी के बी ऑफ सीएन माइनस ठीक है बट इस क्वेश्चन के अंदर पी के ए यूज करा जाता है किसका पी के यूज करा जाता है द पी के ऑफ वीक एसिड तो यहां पर जो वीक एसिड होगा एसेंशियली वो क्या है एचसीएन आपको यहां इस फार्मूले में क्या रिक्वायर्ड होगा इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हमारे पास अगर एक वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट है या वीक बेस है और उसका कॉन्जुगेट है तो उनके के ए और के बी किस तरह से रिलेटेड है पी के प्लस पी के बी ऑफ द कॉन्जुगेट्स इक्वल टू कितना आता है हमारे पास 14 सो के प्लस के बी जो है के इन टू के बी हमारे पास जो होता है के डब्ल्यू होता है तो उससे ही निकल के आता है हमारे पास पी के प्लस पी के बी इज इक्वल्स टू फोरटीन ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास पी के पी के बी जो गिवन है उसके बेसिस पे मैं पी के कैसे निकालूंगा दिस विल बिकम पी के इज इक्वल्स टू फोर्टीन माइनस पी के बी ऑफ सी एन माइनस आई ठीक है तो यहां पर ये थोड़ी सी ट्रिक थी ये समझने की चीज थी कि 14 माइनस 4.7 हो जाएगा दैट बिकम्स 9.3 ठीक है तो pKa ऑफ एच सी एन इज नाइन वो आपको यहां पर यूज करना है इस फॉर्मूले के अंदर तो अगर आप यहां पर फॉर्मूले पे लगाएंगे पी एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू मतलब फोर्टीन हो जाएगा आपके पास पी के आपके पास है नाइन और लॉग सी ठीक है लॉग ऑफ जीरो पॉइंट फाइव लॉग ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मतलब आप बोल सकते हैं लॉग ऑफ हाफ आपको लॉग टू दे रखा है ठीक है अगर लॉग टू दे रखा है आपके पास पॉइंट थ्री तो लॉग हाफ कितना हो जाएगा माइनस पॉइंट थ्री राइट तो अगर आप यहां पर लगाएंगे तो हाफ ऑफ फोर्टीन प्लस नाइन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री सो दिस विल कम टू वॉट हमारे पास ये हो जाएगा ट्वेंटी थ्री तो दिस विल कम एज इलेवन पॉइंट फाइव ठीक है आई थिंक लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन दिया था थोड़ा

रह गया है देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर हमने ऐसे सॉल्ट तो डिस्कस कर लिए विच आर मोनोवेलेंट ठीक है बट अगर पॉलीवेलेंट हमें दिया हुआ हो पॉलीवेलेंट के अंदर क्या होता है जैसे फॉस्फेट आयन है राइट फॉस्फेट आयन जो है अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस देखें तो वहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं मल्टीपल स्टेप्स देखो कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं सपोज मैंने सॉल्ट लिया कौन सा पोटाशियम फॉस्फेट और उसको पानी में डाला तो जो फॉस्फेट आयन है उसका हाइड्रोलिसिस होगा फॉस्फेट आयन का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो सबसे पहले फॉस्फेट आयन जो है वो मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर यहां पर कन्वर्ट होगा एच पी ओ फोर माइनस टू बट एच पी ओ फोर माइनस टू आयन जो है वो भी अपने आप में हाइड्रोलाइज हो सकता है टू गिव एच टू पी ओ फोर माइनस राइट right? और ये जो एच टू फोर माइनस बना सोल्यूशन में ये भी हाइड्रोलाइज होके अल्टीमेटली एच थ्री फोर बना सकता है ऐसे केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ बहुत आसान है यहाँ पर हम अगेन मैंने पहले भी आपको ऐसा एक एग्जाम्पल दिखाया था जिसमें हमने अजम्शन लिया था कि जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द ओनली रिलेवेंट स्टेप यहां पर भी वही चीज होने वाली है अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे यहां पर एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है कि जो आपका फर्स्ट हाइड्रोलिसिस स्टेप है दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोलिसिस स्टेप ठीक है इसका जो कांस्टेंट होगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड एंड द थर्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दिस इज सिमिलर टू द डिसोसिएशन ऑफ पॉलीवेलेंट जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं ठीक है तब भी हमने बात करी थी कि जैसे H2S का केस था उसमें अगर मुझे pH निकालना है तो मैं सिर्फ क्या कंसिडर कर रहा था उसका फर्स्ट डिसोसिएशन कंसिडर कर रहा था सिमिलरली यहाँ पर इस आयन का जब हाइड्रोलिस हो रहा है तो सिर्फ मैं क्या कंसिडर करूँगा इसका फर्स्ट हाइड्रोलिस ही कंसिडर करूँगा बिकॉज एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि ये जो फर्स्ट हाइड्रोलिस है इससे जो हमारे पास ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है दैट इज द ओनली सिग्निफिकेंट एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से जो ओ एच माइनस आएगा वो इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होगा ये बात समझ पा रहे हैं आप इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पी एच इज कैलकुलेटेड ओनली यूजिंग हाइड्रोलिसिस ठीक है अब हमें क्या करना है सिर्फ इस वाले हाइड्रोलिसिस को कंसिडर करके पी एच निकालना है और हमने पी एच जो है वो निकालना सीख लिया है फॉर ऑल द सोल्ट हाइड्रोलिस तो असेंशियली यहां पर क्या होगा कि अगर मेरे पास वाला सॉल्ट हाइड्रोलिस में कंसिडर कर रहा हूं राइट right? सो so, यहां पर दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विच मे बी विद से एने ठीक है अगर यहाँ पर से एन होता तो एन मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता और एच क्या काम करता एक वीक का काम करता तो उससे ये वाला मेरे पास सॉल्ट बना है राइट तो मेरे पास कौन सा केस कंसिडर होगा सॉल्ट हाइड्रोलिस का ये वाला केस कंसिडर होगा पर अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि भाई देखो यहां पर लिखा हुआ है पी बट अगर मैं इस आयन की बात करूं ये अल्टीमेटली अगर मैं देखूं कौन से एसिड से आया होगा कौन सा एसिड यहाँ पर मैं कंसिडर करूँगा एच थ्री पी ओ फोर एच थ्री पी ओ फोर की अगर मैं एन ए ओ एच से रिएक्शन कराऊं राइट और वन एच टू थ्री के रेशो में अगर मैं कराऊं तो मेरे पास आयन बनेगा तो यहाँ पर अगर मैं वापस इन स्टेप्स पे जाऊं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एच थ्री पी ओ फोर प्लस ओ एच माइनस पहले मुझे ये देगा फिर एच टू पी ओ फोर माइनस प्लस ओ एच माइनस मुझे ये देगा और एच पी ओ फोर माइनस टू प्लस ओ एच माइनस मुझे फॉस्फेट आने देगा तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं डिसोसिएशन के तीन स्टेप्स हो रहे हैं अगर मैं इन रिएक्शंस को बैकवर्ड डायरेक्शन में देखूँ तो यहाँ पर ये यह वाला जो फर्स्ट स्टेप है उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा के ए वन राइट right? यहाँ पर रिवर्सिबल डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ एच थ्री पी ओ फोर की रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के वन सेकेंड इक्वेशन में देखूँ तो क्या होगा के ए टू और यहाँ पर जो डिसोसिएशन है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिसोसिएशन हो, कांस्टेंट होगा दैट वुड बी के ए थ्री राइट ये चीज समझ में आ रही है तो यहाँ पर जब हम कंसिडर कर रहे हैं इसका हाइड्रोलिसिस तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कौन सा यूज होगा के ए वाला मतलब यहां पर जब आप इक्वेशन के अंदर के ए डालोगे तो कौन सा वाला के डालोगे यहां पर के वन नहीं डालोगे के टू नहीं डालोगे के ए थ्री डालोगे दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द केस ऑफ पॉलीवेलेंट एनायंस कि वहां पर जो आपका Hydrolysis का फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज जनरली द लास्ट स्टेप ऑफ डिसोसिएशन तो जो आपको के ए यूज करना है या के बी यूज करना है दैट वुड बी द लास्ट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट तो अगर मैं फॉस्फेट आयन को पानी में डालूं और वहां पर मुझे पी एच निकालना हो तो वहां पर मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी पी एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए थ्री प्लस लॉक सी ठीक है सी क्या है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉस्फेट आयन ये चीज क्लियर हो गया दिस इज द कंसेप्ट विच मे बी यूज फॉर एडवांस लेवल क्वेश्चन ठीक है मेन्स लेवल में तो नहीं आता एडवांस लेवल क्वेश्चंस में या फिर आप अच्छी प्रैक्टिस बुक कर रहे होंगे लेवल टू कर रहे होंगे वहां पर आपका ये कंसेप्ट यूज़ हो सकता है क्लियर है वाली बात नेक्स्ट वी कम टू अनादर केस ठीक है मैंने आपको बहुत सारे केसेस दिखाए थे दिस इज द केस ऑफ प्रोटिक एनायन ठीक है अभी तक हमने क्या देख लिया था कि नॉर्मल जो एनायंस हैं उनका हाइड्रोलिसिस जब हो रहा है तो हम ये वाली सॉल्ट इक्वेशंस यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएच नाउ वी कम टू द केस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एम फी प्रोटिक्स और केटाइन अगर एम फी प्रोटिक एनायन और केटाइन हो तो आप क्या करोगे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एच सी ओ थ्री माइनस आन है जैसे कि मैंने एन ए एच सी ओ थ्री सॉल्ट लिया और उसको पानी में डाला ठीक है सपोज जीरो पॉइंट वन मोलर एन ए एच सी ओ थ्री सोल्ट लिया उसको पानी में डाला अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पर पी एच क्या होगा राइट सो दिस इज द क्वेश्चन अब जो ये मेरे पास पॉलीवेलेंट एनायंस होते हैं या पॉलीवेलेंट कैटाइंस होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं पानी में जाके अगर मैं इक्विलिब्रियम कंसिडर करूं तो ये आयोनाइज हो सकते हैं ठीक है पॉलीवेलेंट यहां पर हम इसको एम्फी प्रोटेक इसलिए तो बोलते हैं एम फी प्रोटेक्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि एच है प्लस दे भी सकते हैं और एच प्लस ले भी सकते हैं तो अगर ये यहाँ पर एच प्लस रिलीज करेगा इट विल फॉर्म कार्बोनेट आयन अगर ये यहाँ पर एच प्लस लेगा तो मेरे पास यहाँ पर कार्बोनिक एसिड क्रिएट होगा ठीक है वाली बात तो अब यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूँ कि एच सी ओ थ्री माइनस आयन जो है असेंशली वो कौन कौन से इक्वलिब्रियम में इन्वॉल्व है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो सकता है कार्बोनेट आयन के अंदर और ये जो है एच सी ओ थ्री माइनस आयन ठीक है ये एच टू सी ओ थ्री से आ रहा होगा राइट मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो एच टू सी ओ थ्री बन रहा होगा तो यहाँ पर जो इक्वेशन होती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ पी एच दैट इज वेरी सिंपल उसका कोई आपको डेरिवेशन कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं है डायरेक्टली आपको बस दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर मेरे पास इस तरह का एम आयन है एच थ्री माइनस जैसा वो किस किस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है अगर एच थ्री माइनस से कार्बोनेट आयन बनता है तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर ये सेकेंड डिसोसिएशन हो रहा है इसका ठीक है और साथ में अगर मैं यहां कंसिडर करूं कि एच सी ओ थ्री माइनस आयन जो है अगर वो बन रहा होगा किससे बन रहा होगा एच टू सी ओ थ्री से तो यहां पर ये फर्स्ट डिसोसिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एच टू सी ओ थ्री का फर्स्ट डिसोसिएशन विल गिव एच थ्री एच सी ओ थ्री माइनस ठीक है अब यहां पर जो पी एच का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा होता है कि भाई अगर मुझे पी एच निकालना है ऑफ अ सल्यूशन जिसमें प्राइमरिली एक एम प्रोटिक आयन पड़ा है जैसे एच सी ओ थ्री माइनस तो आप कैसे निकालोगे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है आप एच सी ओ थ्री माइनस किस किस रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसको देख लो उन डिसोसिएशन को देख लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप पी के एस जो हैं उसको लिखो और डिवाइडेड बाय टू कर दो वेरी सिंपल फॉर्मूला आपको इसका कोई डेरिवेशन या कंसिडर नहीं करना सिंपल सी बात है अगर आपको कहीं एम पी प्रोटेक आयन दिख रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इस तरह से इक्वेशन बना के पी लिखना है ये इक्वेशन आपको कैसे बनानी है वो भी मैं मैंने आपको दिखा दिया कि अगर मेरे पास एच ओ थ्री माइनस आयन है वो कैसे बन सकता है एच टू सी थ्री एच सी थ्री माइनस बनाएगा ठीक है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होगा के वन और एच सी थ्री माइनस से जब कार्बोनेट आयन बन रहा होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होगा के टू आपको यही के वन और के टू यूज करने हैं टू मेक दिस इक्वेशन नाउ लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल अगर मेरे पास H2PO4- आयन को मैं कंसिडर करूं इसका पीएच निकालना हो एच टू फोर माइनस आयन जो है ठीक है वो एक आयन है। क्यों माइनस आयन जो है वो एच प्लस लेके एच थ्री फोर बना सकता है और साथ ही एच टू फोर माइनस एच प्लस देके एच 2 फोर माइनस टू आयन बना सकता है तो अगर आपको सल्यूशन में ठीक है आपको एक सॉल्ट दिया कौन सा सॉल्ट NH2PO4 का NH2PO4 आपका सॉल्ट लिया पानी में डाला आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई इसका पी क्या होगा आपको क्या करना है सिर्फ ये कंसिडर करना है कि एच टू पी ओ फोर माइनस कौन कौन से डिसोसिएशन में इन्वॉल्व होगा ठीक है ये इस डिसोसिएशन में इन्वॉल्व है और ये इस डिसोसिएशन में इन्वॉल्व है फर्स्ट वाला जो डिसोसिएशन है उसका आप डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलोगे के वन ऑफ एच थ्री पी ओ फोर सेकेंड वाला जो डिसोसिएशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप बोलोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए टू ऑफ एच थ्री पी ओ फोर ठीक है तो आपको डायरेक्टली जो पी एच है वो कैसे निकालना है पी के वन प्लस पी के टू टू ठीक है वाली बात अगर आपको एच पी ओ फोर माइनस टू गिवेन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको देखना है कि ये कौन कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा एच पी ओ फोर माइनस टू अगर मैं आयन देखूं यहां पर गलत लिखा हुआ है एच पी ओ फोर माइनस आयन तो देखूं तो यहां पर अगर ये एच प्लस रिलीज करता है तो फॉस्फेट आयन बनाता है और जब ये आयन रिलीज कर रहा है एच प्लस रिलीज कर रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कौन सा यूज होगा के थ्री और अगर मेरे पास एच पी ओ फोर माइनस टू आइन एच प्लस लेता है तो एच टू पी ओ फोर माइनस आइन बनाता है तो एच टू पी ओ फोर माइनस से जब एच पी ओ फोर माइनस टू बन रहा है तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कौन सा है के ए टू तो अगर आपको सल्यूशन में ये गिवन है कि भाई एच पी ओ फोर माइनस टू प्रेजेंट है प्राइमरीली, और उसका पीएच निकाल लो, आपको सिंपल सा ये करना है पी के टू प्लस पी के थ्री बाई टू

क्वेश्स में इन्वॉल्व है उसमें डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के वन और के टू हैं तो हम वो वाला यूज़ करेंगे के वन पी के वन प्लस पी के टू बाई टू अगर मैं यहाँ पर देखूँ एच पी ओ फोर माइनस टू एन वो कौन कौन से डिसोसिएशन में इन्वॉल्व है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसोसिएशन कॉन्सटेंट के टू और के थ्री है तो वहाँ पर आपका जो पी एच होगा पी के टू प्लस पी के थ्री बाई टू होगा वेरी इजी थिंग टू रिमेंबर डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है कोई इसमें आपको डेरिवेशन नहीं करना राइट right? चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं आपको दिया हुआ है कि पी एच ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एन ए टू एच पी ओ फोर एंड जीरो पॉइंट टू मोलर एन एच टू पी ओ फोर रेस्पेक्टिवली कितना होगा आपको दे रखे हैं पी के ए वैल्यूज टू पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू और ट्वेल्व पॉइंट जीरो ठीक है सबसे पहले तो आपको वैल्यूज देख के ही समझ जाना है कि इसमें के वन कौन सा होगा के टू कौन सा होगा के थ्री कौन सा होगा ऐसा क्यों क्योंकि हमने डिस्कस करा है कि जो फर्स्ट एसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है मतलब के वन सबसे ज़्यादा होगा ऑल्टरनेटिव भी हम बोल सकते हैं पी के वन सबसे छोटा होगा तो ये जो वैल्यूज आपको गिवन है के ए ऑफ एस थ्री पी ओ फोर उसमें आपको समझ में आना चाहिए दिस शुड बी पी के ए वन दिस शुड बी पी के ए टू एंड दिस शुड बी पी के ए थ्री ठीक है पी के थ्री सबसे बड़ा है और पी के हमारे पास सबसे छोटा है ये वैल्यूज़ देख को आपके वैल्यूज़ देख के आपको समझ आ जाना चाहिए नाउ कम बैक टू दिस पॉइंट कि भाई हमें दिया हुआ है जीरो पॉइंट वन मोलर एन ए टू एच पी ओ फोर अब अगर आप ध्यान से देखो पीछे जो हमने फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पर सिर्फ के वैल्यूज यूज़ आ रही है यहाँ पर कहीं कॉन्सेंट्रेशन की टर्म आ रही है कॉन्सेंट्रेशन की टर्म यहाँ पर नहीं आ रही है इसका मतलब यहाँ पर यह जो 0.1 मोलर आपको दे रखा है उसका एक्चुअली पीएच कैलकुलेशन के अंदर कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर 0.1 मोलर का पीएच कैलकुलेशन के अंदर कोई यूज़ नहीं है ऑल्टरनेटिवली मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एम आयन डाल दूँ कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एम आयन डाल दूँ आपका जो पी है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा सिर्फ के ए वैल्यूज पे डिपेंड करेगा इस तरीके से तो अगर मैं एच पी ओ फोर माइनस जो आयन है उसका निकालना चाहूं पी एच राइट तो वो क्या होगा हमारे पास अभी हमने लिखा था किस तरीके से उसको हम निकालेंगे दिस वुड बी पी के टू प्लस पी के थ्री बाई टू ये चीज समझ में आ रही है एच पी ओ फोर माइनस टू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से केज इन्वॉल्व होंगे के टू और के थ्री तो आपका जो पी एच वैल्यू है वो पी के टू प्लस पी के थ्री बाई टू आएगा अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करें दिस शुड कम पॉइंट टू प्लस ट्वेल्व पॉइंट ओ डिड बाई टू दैट इज नाइनटीन पॉइंट टू तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम बाई टू करें तो हमारे पास क्या आएगा नाइन पॉइंट सिक्स दिस वुड बी दी एच ऑफ दल्यूशन कंटेनिंग एच पी ओ फोर माइनस टू और ध्यान से देख लो कॉन्सेंट्रेशन का कोई यूज नहीं है अगर मैं जीरो पॉइंट टू लेता जीरो पॉइंट थ्री लेता लेता उसका कोई फर्क नहीं पड़ता पीएच आपका यही रहता अब एच टू पी ओ फोर माइनस आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं पीएच ऑफ एच टू पी ओ फोर माइनस मतलब अगर मैंने पानी के अंदर एन एच टू फोर डाला है तो क्या होगा तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे एच टू पी ओ फोर माइनस का एन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो पी के ए यूज होंगे वो पी के वन और पी के टू यूज होगा डिवाइडेड बाई टू कर देंगे दिस वुड बी आ फॉर्मूला अगर हम वैल्यूज देखें टू पॉइंट टू प्लस सेवन पॉइंट टू डिवाइडेड बाई टू ठीक है असेंशियली हमारे पास है यहाँ पर नाइन पॉइंट फोर नाइन पॉइंट फोर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आएगा हमारे पास फोर पॉइंट सेवन राइट सो दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन 9.6 एंड 4.7 अगेन आई एम एम्फरसाइजिंग की कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑल दो आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिख के दे रखी है बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन कैलकुलेशन ऑफ पी एच फॉर एम फी प्रोटेक आय सो दिस वॉज द केस ऑफ एम फी प्रोटेक आयन ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है नाउ लेट्स कम बैक टू ऑल दीज केसेस विच वी वर कंसिडरिंग अर्लियर कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि अगर सी एस सी सपोज मैं एक मोलर सोल्यूशन लूँ एक लीटर सोल्यूशन लूँ उसके अंदर एक मोल सी एस सी होगा राइट अगर मैं इसमें थोड़ा सा एन डालूं डालूँ तो क्या होगा सी एस थ्री सी एच ही मेरे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा अगर मैं एन 0.5 एच पॉइंट फाइव मोल डाल देता तो मेरे पास वन मोल सी एस थ्री सी ओ एच पॉइंट फाइव एन ओ एच से रिएक्ट करके क्या बना था जीरो पॉइंट फाइव मोल सी एस थ्री सी ओ एच और जीरो पॉइंट फाइव सी एस थ्री सी ओ हम ऑलरेडी देख चुके हैं और अगर एन में वन मोल डाल देता तो मेरे पास यहां पर क्या होता सी एस थ्री सी पूरा पूरा खत्म हो जाता सिर्फ सी एस थ्री सीओ एन एसा यह मैंने आपको देख, बोला था कि ये तीन अलग अलग केसेस हैं ये तीन अलग अलग केसेस में तीन अलग टाइप की इक्वेशन लगेंगी फॉर पीएच कैलकुलेशन सो इफ यू कम बैक टू दिस आइडिया कि किस किस तरह से हमको सॉल्व करना है तो पहला वाला जो मैंने केस कंसिडर करा था जिसके अंदर सी एस थ्री सी ओ माइनस नाइन और सी एस थ्री सी ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत कम थी मैंने आपको यहां पर दिखाया था ना कि अगर मैंने एन ओ एच डला पॉइंट जीरो जीरो वन तो सी एस थ्री सी ओ एन ए कितना बनेगा पॉइंट जीरो जीरो वन ही बनेगा और सी एस थ्री सी ओ एच कितना बचा रह जाएगा दैट वुड बी एसेंशियली पॉइंट नाइन 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 तो अगर मैं इनका रेशो लू तो वो पॉइंट वन से तो कम ही आएगा ना तो अगर आपके पास ऐसा केस हो कि जो मेरे पास सॉल्ट है और जो एसिड है या कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर बेस है उनका रेशियोज अगर पॉइंट वन से भी कम है तो प्राइमरीली सल्यूशन के अंदर मेरे पास सिर्फ ये वाला जो एसिड या बेस है वो है और इस केस में प्राइमरीली अगर मेरे पास सॉल्यूशन में एसिड है उसके कोरिस्पोंडिंग मुझे क्या फार्मूला लगाना है वीक एसिड के पीएच का फार्मूला लगाना है राइट right? अगर मेरे पास ये वाला केस हो कि NaOH जब मैंने डाला तो सॉल्यूशन के अंदर दोनों एसिड और उसका सॉल्ट दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट हैं उस केस में अगर मैं यहाँ पर रेशो देखूं कि अगर सी एस थ्री सी ओ माइनस और सी एस थ्री सी ओ एच का रेशो पॉइंट वन से टेन के बीच में है तो मतलब ये दोनों जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है ऐसा नहीं है सिर्फ पॉइंट वन से ऊपर हमेशा पॉइंट वन से लेकर टेन तक क्योंकि अगर ये रेशो जो है टेन से ऊपर हो गया मतलब सी एस थ्री सी ओ माइनस बहुत ज़्यादा हो गया तो तो क्या केस बन जाएगा ये केस बन जाएगा तो कौन सा केस बन जाएगा आपके पास सोल्ट हाइड्रोलिस का केस बन जाएगा और अगर ये बीच में रहा पॉइंट वन से टेन के बीच में तो आपके पास जो केस बनता है वो मैंने आपको पहले बताया था बफर सोल्यूशन का केस बनता है राइट right? और बफर सोल्यूशन जो होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला हम लिखते हैं पीएच कैलकुलेशन का वो ये लिखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया है ये हम अभी डिस्कस करते हैं सो so, फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज पीएच वॉट इज बफर सोल्यूशन देखिए बफर सोल्यूशन का अगर मैं बेसिक डेफिनेशन देखूं तो ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनके अंदर अगर मैं थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करूं तो उनके पीएच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता पर यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है डिस्कस करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि इनके पीएच में कभी चेंज नहीं आएगा मैं बोल रहा हूं पीएच में चेंज तब नहीं आएगा जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करो अगर मैं बहुत ज्यादा एसिड और बेस ऐड कर दूं तो पीएच में चेंज आ जाएगा लेट सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सपोज हम बात कर रहे हैं सी एस थ्री सी ओ एच प्लस सी एस थ्री सी ओ माइनस या एन ए इन दो चीज़ों का मेरे पास सल्यूशन है और ये सल्यूशन के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन्स हैं उसका रेशो पॉइंट वन से टेन के बीच में इसका मतलब ये दोनों चीज़ें सल्यूशन में सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट हैं अब अगर ऐसे सल्यूशन के अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पर सपोज एसिड डालूँ सपोज यहां पर मैं थोड़ा सा एच सी एल राइट अगर मैं यहां पर ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एच अगर मैं यहां पर थोड़ा सा एच सी डालू तो क्या होगा देखो यहां पर सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस आयन जो है दैट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड इसमें अगर तुम स्ट्रांग एसिड डालोगे जैसे कि एच तो ये क्या करेगा H प्लस को कंज्यूम कर लेगा और कंज्यूम करके क्या बनाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच ठीक है तो जो हमने थोड़ा सा एच सी डाला था वो कंज्यूम हो गया तो पी एच में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा सिमिलरली ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ से एन एच अगर हम थोड़ा सा यहां पर एनएच डालें तो क्या होगा दिस इज अ अस्ट्रॉन्ग बेस और सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है वीक एसिड तो क्या होगा सीएस थ्री सीओ एच इस स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा सी एस थ्री सीओ माइनस तो अगेन जो हमने बेस डाला थोड़ा सा वो क्या हो गया कंज्यूम हो गया तो इस सोल्यूशन में जिसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में सीएस और सीएस प्रेजेंट है अगर मैं थोड़ा सा एसिड डालू तो वो भी कंज्यूम हो जाएगा एंड इट कन्वर्ट टू द एसिड सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा बेस डालू वो भी कंज्यूम हो जाएगा एंड इट कन्वर्ट्स टू द सॉल्ट तो अल्टीमेटली सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा सिर्फ आपका जो आपके पास सॉल्ट है ठीक है और जो एसिड है वही अल्टीमेटली आपके पास प्रेजेंट रहेंगे थोड़ा सा अगर आपने वहाँ पर एसिड बेस डाला तो वो कंज्यूम हो जाएगा नाउ दिस इज सिग्निफिकेंट कि अगर मैं यही थोड़ा सा एच और एन अगर मैं सपोज प्योर वाटर में डालू देन देर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन दी एच जैसे कि नॉर्मल वाटर का पीएच कितना होता है आपको पता है टेन रेस्ट पर माइनस सेवन सपोज मैं वहां पर टेन रेस्ट पर माइनस थ्री मोलर एच डाल दूं तो सोल्यूशन का पीएच क्या हो 10 10 जाएगा टेन रेस्ट पर माइनस सेवन से टेन रेस्ट पर माइनस थ्री पहुँच जाएगा दैट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज बट वहीं अगर यहां पर मेरे पास सी एस थ्री सी ओ माइनस प्रेजेंट है सोल्यूशन में तो वो एच सी एल को कंज्यूम करके सी एस थ्री सीओ एच बना रहा है तो जो इतना सिग्निफिकेंट चेंज मुझे देखने को मिला प्योर वाटर में उतना सिग्निफिकेंट चेंज मुझे बफर सोल्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ बफर सोलूशन ना यू कैन इमेजिन इसका सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारी केमिकल जो होती हैं है. अगर वहां पर बहुत एक्सेस में एच प्लस OH आयन प्रेजेंट हो तो आपकी रिएक्शन जो है वह अफेक्ट हो सकती है ऐसी रिएक्शन जो कि पी एच सेंसिटिव होती हैं. उन्हें हम कैरी आउट कराते हैं इन बफर सोलूशन जिससे कि बफर सोल्यूशन क्या करता है वहां पीएच को मेंटेन करके रखता है दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सोल्यूशन और इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो इसका सबसे अच्छा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलता है हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर भी एक बफर सिस्टम मेंटेन्ड होता है और जब हमारी बॉडी के अंदर फूड कंज्यूम होता है या कोई भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो वहां पर क्या होता है थोड़ा थोड़ा एच प्लस प्रोड्यूस होता रहता है दैट एच प्लस इज कंस्यूम्ड बाय द आयंस ऑफ द बफर सोल्यूशन प्रेजेंट इन आर ब्लड नाउ दिस इज होमवर्क कि आप जाके ये पढ़ें कि ब्लड के अंदर कौन सा बफर सिस्टम प्रोड्यूस होता प्रेजेंट होता है कौन से आयंस इन्वॉल्व होते हैं वहां पर और वहां पर किस तरीके से वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है बॉडी का पीएच रेगुलेट करता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी अगर हमारी बॉडी का पी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए उसकी एक नॉमिनल वैल्यू से तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती है जैसे एसिडोसिस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था इस चैप्टर में एसिडोसिस मैंने आपको बोला था कि अगर हमारी बॉडी का जो पीएच है वो बहुत कम हो जाए तो हमारी बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं दे स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड और हमारी बॉडी जो है वो फंक्शनिंग बंद कर सकती है राइट सो बफर सिस्टम कौन सा हो गया वहां पर ब्लड का बफर सिस्टम हो गया एंड दिस इज योर होमवर्क यू हैव टू स्टडी की ब्लड के अंदर कौन सा बफर होता है सो अगेन बफर सोल्यूशन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं फंक्शनिंग को कि अगर मेरे पास बफर सोल्यूशन जो है उसमें क्या है सपोज एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है उसमें अगर मैंने थोड़ा सा ओ एच माइनस डाला तो क्या होगा मेरा जो एसिड है थोड़ा सा वो कंज्यूम हो जाएगा एसिड का जो अमाउंट है थोड़ा सा वो कम हो जाएगा और जो कॉन्जुगेट बेस है उसका थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाएगा सिमिलरली अगर मेरे पास H3O+ प्लस का एडिशन होगा बफर सोल्यूशन में उसमें क्या होगा कि H3O+ प्लस इस सॉल्ट से जो कॉन्जुगेट बेस है उससे रिएक्ट कर जाएगा और ये जो कॉन्जुगेट बेस है उसका थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाएगा उसके वीक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा बट जो हमने OH और H3O डाले थे वो कंज्यूम हो जाएंगे वो आपके सोल्यूशन में नहीं रहेंगे सोल्यूशन में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा यही वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा राइट right? तो अगर हम बफर सोल्यूशन कि केस में फॉर्मूला डिराइव करना वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया फॉर्मूला क्या होता है अगर यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करना चाहें सिंपल सा आपको देखना है कि भाई मेरे पास जो इक्वलिब्रियम प्रेजेंट है सोल्यूशन में राइट right? वो क्या है क्योंकि मेरे पास सोल्यूशन में सी एस थ्री सी ओ एच और सी एस थ्री सी ओ माइनस ये दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट uh, हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो के ए होगा ठीक है के हमने लिखना सीखा है कि भाई जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे जो चीज़ें होती हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे होता है के का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है नाउ वी कैन से कि ये जो सी एस थ्री सी ओ माइनस है ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में कहां से आया होगा ऑब्वियसली इसके सॉल्ट से आया होगा जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि सपोज मैंने सी एस थ्री सी एच में एन एच डाला तो कौन सा सॉल्ट बना सी एस थ्री सीओ एन ए दैट इज द सॉल्ट वही सॉल्ट से सी एस थ्री सी माइनस आएन आया तो असेंशियली सी एस थ्री सी माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट कैन बी कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ दिस एसिड तो ये जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जनरलाइज अगर हमें लिखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट मल्टीप्लाइड अगर हम यहां पर थोड़ा इसको मॉडिफाई कर ले तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा H प्लस इज इक्वल्स टू इसको हमने यहां पर ऊपर भेज दिया इसको नीचे लिया है तो H प्लस इज इक्वल्स टू के ए इन टू एसिड अपॉन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो हमारे पास क्या आएगा लॉग एच प्लस इज इक्वल टू लॉग के ए प्लस लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट और अगर हम यहां पर नेगेटिव लॉग ले लें मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है दिस रिड्यूसेस टू दिस फॉर्म क्योंकि आपको पता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस पी एच नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज पी के और यहां पर जब नेगेटिव इस साइड और आएगा तो आपके पास जो एसिड और सॉल्ट है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे डिनोमिनेटर जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे एंड दिस रिड्यूस टू दिस फॉर्म में आ गया किस तरह से हम यहां पर इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं दिस इक्वेशन इज वेरी फेमस फॉर बफर सिस्टम्स एंड दिस इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन ये आपकी हैंडरसन इक्वेशन कहलाती है ठीक है बहुत आसानी से स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं मैंने देखा है जनरली बफर के क्वेश्चन में बहुत आसानी से आपको दिख रहा होता है कि भाई मेरे पास एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है या कन्वर्सली एक वीक बेस और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है तब आपको हैंडरसन इक्वेशन लगानी होती है न जो सेकेंड वाला केस था ठीक है कि हमारे पास वीक बेस और वीक बेस और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप फार्मूला डिराइव करके देखोगे तो आपके पास इस तरह से आएगा पी एच इज इक्वल्स टू पी के बी राइट यहां पर क्या था पी के ए यहाँ पर क्या आपके पास आएगा इसी तरीके से जैसे हमने यहां पर डिराइव करा ना इसी तरीके से डिराइव करके देखोगे तो पी के बी प्लस लॉग ऑफ केटायन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस उसका कॉन्सेंट्रेशन की बात करें और एक और चीज़ ध्यान रखना यह फार्मूला जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है कि अगर सपोज मुझे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और मैं वॉल्यूम को थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आपको बार बार कॉन्सेंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है मोल्स अपॉन वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन हैं ये जो चीज़ें प्रेजेंट है एनायंस और एसिड ये सेम ही सोल्यूशन में प्रेजेंट है क्योंकि बफर सोल्यूशन क्या होता है एक ही सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट है और एसिड या बेस भी प्रेजेंट है है ना तो यहां पर क्या है यहां पर जो आपके पास सल्यूशन का वॉल्यूम है वो इन दोनों के लिए सेम है ना सल्यूशन का वॉल्यूम तो इन दोनों के लिए सेम है तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो मोल्स ऑफ ए ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? मोल्स ऑफ एसिड तो वॉल्यूम वॉल्यूम जो है आपका वो कट होके आपके पास यहां पर सिर्फ मोल्स अपॉन मोल्स का रेशो भी आप ले सकते हो रेदर देन टेकिंग द कॉन्सनट्रेशन रेदर देन डिवाइडिंग द डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम आप डायरेक्टली मोल्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो राइट right? तो हम ये जो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है जैसे सी एस थ्री सी ओ एच और सी एस थ्री सी ओ एन ए जनरली उसका जो पी एच होता है वो आपका लेस देन सेवन होता है और ऐसे जो हमारे पास बफर्स होते हैं उनको हम एसिडिक बफर बोलते हैं जबकि अगर मैं बेसिस की बात करूं कि वीक बेस है और सॉल्ट ऑफ वीक बेस है उसका जो बफर बनेगा वो आपके पास बेसिक बफर कहलाएगा जनरली उसका पी आपका ग्रेटर देन सेवन आता है बहुत आसान सी इक्वेशंस हैं फॉर्मूले भी बहुत आसानी से आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि, कि किस प्रॉब्लम में मुझे बफर का लगाना है फॉर्मूला आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये वीक एसिड और वीक बेस और उनके सॉल्ट क्या सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई उसके बाद जो आपके पास फॉर्मूला है बहुत ही आसान है पी एच एज इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग ऑफ एनाइन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड और पी एच एज इक्वल्स टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन के अंदर सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फोर ग्राम ऑफ एन एच विजॉल्व्ड इन वन लीटर ऑफ ए सोलूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच एंड वन मोल ऑफ सी एस थ्री सी ओ एन ए कैलकुलेट एच प्लस इन द रिजल्ट एंड सोल्यूशन नाओ सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में वो पांच स्टेप आने चाहिए जो मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ पांच स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करो कि क्या वहां पर कोई रिएक्शन हो रही है रिएक्शन अगर हो रही है तो रिएक्शन कराओ रिएक्शन कराने के बाद जो आपके पास स्पीशीज बचें उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास कौन सा सिस्टम बना है और किस सिस्टम का मुझे वहाँ पर फॉर्मूला लगाना है तो अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के वो पांच स्टेप अपने दिमाग में लाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि एक मेरे को दे रखा है बेस एन यूएच विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस और बोला है कि उसको हमने कहाँ डाला है अ सल्यूशन विच कंटेन्स सी एस थ्री सी एच विच इज अ वीक एसिड सबसे पहले आपको क्या करना है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का रिएक्शन कराना है तो आप यहां पर अगर देखेंगे एन एच विल कंज्यूम सी एस थ्री सी ओ ओ एच और बनाएगा क्या वहां पर वो बना देगा सी एस थ्री सी ओ माइनस नाउ माइंडेड कि यहां पर सीएस थ्री सी ओ माइनस ऑलरेडी सोल्यूशन में प्रेजेंट था इन फॉर्म ऑफ सी एस थ्री एन ए चीज आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हमारे पास एक सल्यूशन है जिसके अंदर आपको बोल रखा है कि मोल था और साथ में वन मोल सीएस थ्री सीओ एन इस सल्यूशन के अंदर मैंने एनएच डाला तो अगेन आयनिक इक्विलिब्रियम वाली अगर मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जब मैंने यहां पर NaOH डाला और इक्विलिब्रियम वापस से स्टैब्लिश हुआ कौन सा आयनिक इक्विलिब्रियम तब सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा राइट right? तो यहां पर आप देख लीजिए सिंपल सी चीज है कि अगर मैंने NaOH CH3COH के साथ रिएक्ट कराया तो T is पे मतलब जस्ट मैंने जब डाला था NaOH तब NaOH वहां पर कितने मोल्स डाला मैंने फोर ग्राम था तो फोर अपॉन फोर्टी दैट इज जीरो पॉइंट वन मोल डाला और सी एस थ्री सी ओ एच कितना प्रेजेंट था वन मोल प्रेजेंट था सी एस थ्री सी ओ एन ए कितना प्रेजेंट था वन मोल प्रेजेंट था जब ये रिएक्शन हो गई ऑन रिएक्शन कंप्लीशन एंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम अगेन तो मेरे पास जो एन एच है वो पूरा पूरा कंज्यूम हो गया कैसे कंज्यूम हो गया सी एस थ्री सी ओ एच जो वीक एसिड था उसके साथ रिएक्ट कर गया तो यहां पर सीएसएच कितना बचा जीरो पॉइंट नाइन राइट वन माइनस पॉइंट वन वन इज टू वन की स्टॉक और जो सी एस एन ए बना ठीक है वो क्या हुआ इनिशियल वाला जो सी एस एन एस एड हो गया तो यहां पर पॉइंट वन जो सी एस थ्री एच कंज्यूम हुआ उससे पॉइंट वन मोल सीएस बना इनिशियली ऑलरेडी वन मोल प्रेजेंट था टोटल कितना हो गया 1 .1, आपके पास 1 .1 आ गया। रिएक्शन समझ लो प्रोफाइल ऑफ सोल्यूशन मतलब कि उस सोल्यूशन में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं जो मैंने तुम्हें बताया था ना आइडेंटिफाई ऑन द स्टेप टू एंड स्टेप थ्री कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं एट इक्विलिब्रियम राइट right? तो एट इक्विब्रियम कौन कौन सी यहां पर चीजें प्रेजेंट होंगी सी एस थ्री एस के बीच में हमारे पास क्या Now, solution, कि क्योंकि ये दोनों जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट हैं दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो अगर यहाँ पर हम एच प्लस कैलकुलेट करना चाहें ठीक है हमसे बोला है एच प्लस कैलकुलेट करो तो हम अपना जो बेसिक बेसिक डेरिवेशन था उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि एसिड और सॉल्ट दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है देन वी कैन से एच प्लस इज इक्वल्स टू के इंटू सी एस थ्री सी ओ माइनस अपॉन सी एस थ्री सी ओ ओ एच ठीक है सॉल्ट अपॉन एसिड हमने लिखा था वहाँ पर एंड दिस कम्स टू फोर पॉइंट सेवन इंटू टेन डेस्ट पर माइनस फाइव मोलर ठीक है आपके पास वन लीटर सोल्यूशन है तो जो मोल्स हैं डिवाइडेड बाई वन करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन uh, आ रहा है ये जिस समझ में आ रही है कि यहाँ पर बफर सोल्यूशन आपको दिख रहा है ना अगर आपको पी बोल देते कि यहाँ पर पी निकाल दो यहाँ तो क्या बोला है एच प्लस निकालने को बोला है सपोज आपको पी निकालने को बोल देते आपको बस यही वाली इक्वेशन को हेंडरसन इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड ठीक है कांसेप्ट सेम ही चीज है इसी कांसेप्ट से हेंडरसन इक्वेशन निकला था और यहां पर जो अल्टीमेटली आपके पास आएगा दिस विल बी योर रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्लियर हो गई वाली चीज सबको ठीक है तो ये आपका बेसिक आइडिया था बफर सॉल्यूशंस का राइट right? तो स्वेंस दिस वाज आर लास्ट स्लाइड फॉर दिस चैप्टर ठीक है और अगर आपको इस तरह की जो चीजें हैं और डिटेल में समझनी है राइट यू कैन यूज़ द अनअकेडमी सब्सक्रिप्शन जहाँ हम इस तरह की प्रॉब्लम्स ऑल सॉल्व करेंगे राइट right? और अगर आपको ये यूज करना है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना है यू कैन यूज माई कोड अनुपम लाइव जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है एंड योर कॉस्ट कम्स टू अ वेरी नॉमिनल अमाउंट जस्ट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फॉर वन ईयर एंड 32,400 फॉर टू इयर्स, राइट तो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर जैसा मैंने आपको पहले बताया था लाइव क्लासेज मिलती हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और ये बहुत ही प्रोडक्टिव सेशंस होते हैं क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है ऑलरेडी रिटन कंटेंट होता है आपको ईजिली समझाया जा सकता है ठीक है हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और लिखने की जो चीज़ है आपकी डॉट सॉल्विंग की जो चीज़ है वो भी बहुत आसानी से करी जा सकती है द प्लेटफॉर्म ऑफ द अन इज वेरी प्रोडक्टिव बहुत प्रोडक्टिव टूल्स है अगर आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन सर्टेनली जो लेवल है उसको इंक्रीज कर लेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस तरह के जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं वो आप मिस नहीं कर जाएं, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए एंड सर्टेनली इफ यू स्टे विद और आप जिस भी कॉम्पटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहें यू कैन क्रैक इट वी हैव सो मैनी चैनल्स जिसके ऊपर आपके पास इस तरह का जो जो कंटेंट है अमेजिंग कंटेंट वेरी विजुअल कंटेंट वो आपको प्रोवाइड किया जा जाता है सर्टेनली अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं आपका प्रिपरेशन लेवल इंक्रीज़ होता है एंड यू कैन ईजीली क्रैक योर एग्जाम्स राइट स्टूडेंट्स तो यू कैन यूज़ माई कोड अनुपम लाइव इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ एन अकेडमी प्लेटफॉर्म ठीक है तो हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है देन विल एंड इट राइट यू कैन यूज माई कोड अनुपम लाइव चलिए स्टूडेंट्स गुड बाय